हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुमित है, आप देख रहे हो डिजिटल सुमित। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहां से आप वर्क करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं और क्यों हैं और उन पर किस तरीके से वर्क करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको मैनुअल सब चीज़ें समझाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो इस वीडियो के बिल्कुल इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना। अगर आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हो या फिर इसको अच्छे तरीके से समझते हो तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, मैं सीधा वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो मैं सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट प्लेटफॉर्म की। फर्स्ट प्लेटफॉर्म है हमारा अपवर्क। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई करते हो, अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट अवेलेबल है और बिल्कुल सेफ ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होती। ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अर्निंग की भी कोई लिमिट नहीं है। अब बात आती है कि अपवर्क बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है। इसमें बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए अपवर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तो हमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाते हैं। अगर बाई चांस आपका आपको क्लाइंट मिल गया, कोई अच्छा सा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मिल गया आपको, तो ये नहीं पता कि वो किस टाइम तक चलेगा। क्या तो चलने में 1 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाते हैं। और जैसे ही हमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलते हैं तो वहाँ से हमें अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हमारी होती है। तो इस चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा क्योंकि अपवर्क की एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइंट है जो बहुत जल्दी हायर कर लेते हैं। अगर फ्रीलांसर में अच्छी स्किल्स हो, अच्छे उसने कवर लेटर लिखा हुआ हो, तो सब चीज़ें देख के वो जल्दी ही हायर कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस पे हमें वर्क कैसे करना चाहिए। अगर आप अपवर्क पे वर्क करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से कवर लेटर लिखना आना चाहिए कि कवर लेटर में हमें क्या लिखना है। कवर लेटर में हमें ये नहीं कि कोई फालतू चीज़ें लिखनी है, जैसे कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मेरे को ये करना आता है, वो करना आता है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। अगर आप ऐसा कुछ लिखोगे तो क्लाइंट है ना उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। हमें सिर्फ वो लिखना है जो क्लाइंट ने पूछा हुआ है। जैसे क्लाइंट ने कोई एसईओ की पोस्ट डाली हुई है तो हमने एसईओ के बारे में लिखना है कि सर मेरे को एसईओ में ये नहीं लिखना कि मेरे को एसईओ में एक्सपीरियंस है, ये है वो है। बस सिंपल लिखना कि मैं एसईओ को अच्छे तरीके से जानता हूँ और उसमें मैं ये स्टेप करूँगा आपके, मतलब उसमें स्टेप बता देने हैं कि पहले मैं कीवर्ड सर्च करूँगा, उसके बाद ऑन पेज एसईओ करूँगा, ऑफ पेज एसईओ करूँगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करूँगा। तो ये सब चीज़ें बता देनी है अपने हिसाब से। पर ये है कि फालतू चीज़ें मत लिखना कि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं वो ये कर दूँ एसईओ में, वो कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं लिखना क्योंकि इतने बड़े प्रपोजल लोग क्लाइंट नहीं देखते और उनको रिजेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्क, ये हो गया हमारा पहला प्लेटफॉर्म अपवर्क। अब हम बात करते हैं हमने सेकंड प्लेटफॉर्म की। जो हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर। फाइवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, काफ़ी कम टाइम में इसने ग्रो किया है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्लाइंट आ चुके हैं। इससे हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और इसमें अच्छी तरीके से हमें क्लाइंट मिल जाते हैं और क्लाइंट भी इसमें थोड़ा जल्दी मिलते हैं। पर इन सब प्लेटफॉर्म में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो इनके लिए हमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी हमें चाहिए अपने कॉन्टेंट को बनाने के लिए, अपने गिग को बनाने के लिए, अपने प्रपोजल को बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी हमें चाहिए क्योंकि इसमें से क्या पता एक जॉब पे कितने बंदे अप्लाई करते हैं और 100 में से सिर्फ एक या दो बंदे हायर होते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं फाइवर की। तो फाइवर में जैसे कि फाइवर एक मैंने बता दिया कि फाइवर एक इस यहाँ पे हमें गिग बनते हैं और यहाँ पे फिर हमें अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं। तो इस दूसरी बात करते हैं कि फाइवर इतने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि फाइवर पे हमें ये होता है कि फाइवर पे बाई चांस हमने कोई गिग बना लिया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एसचोलिंग बिल्डिंग का एक गिग बना दिया है, ठीक है। तो उसमें बाद मेरे को एक क्लाइंट मिल गया, उस क्लाइंट ने मेरे को कहा कि भाई मैं आपको ऑर्डर दूंगा इस गिग पे, पर उसके पास 10-12 वेबसाइटें हैं तो वो उसी गिग को बार बार आपसे बाय करता रहेगा, ठीक है। तो मतलब 10-12 वेबसाइटों से अगर आपकी एक गिग की कीमत $50 भी है तो सिंपल सी बात है, अगर वो 10-12 वेबसाइटें क्लाइंट के पास होगी, और इतनी होती हैं बाहर क्लाइंट के पास, वो एक ही वेबसाइट वर्क नहीं करते, वो काफी बना के रखते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, 10-12 ऑर्डर अगर उसी क्लाइंट ने आपको उस गिग पे सेम गिग पे ऑर्डर दे दिए अलग अलग वेबसाइट हो गए, तो सिंपल लगा लो तो आपके ये $50 के हिसाब से $600 बन चुके हैं। तो $600 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सिर्फ ये हुआ कितने एक महीने के अंदर अंदर बन चुके हैं, ठीक है। तो फाइवर इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और फाइवर में वर्क किस तरीके से करना चाहिए,
फाइवर पे वर्क पर हमें वर्क किस तरीके से करना चाहिए, उस पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अच्छा गिग बनाना चाहिए, और गिग में क्या करना चाहिए, गिग में हमने कभी भी हाई प्राइस नहीं रखना। मतलब कि हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हम अच्छा वर्क करके देंगे आपको, वो ये क्वालिटी देंगे आपको वर्क में, जितना भी आप दे सकते हो। पर उस पर कभी ये नहीं, उस पर ये नहीं कि वर्क के अकॉर्डिंग आप प्राइस बहुत ज़्यादा दिखा दो कि प्राइस मेरा इतना है, मैं ये वर्क दूंगा, तो उसमें आपको काम मिलने का बहुत ज़्यादा कम चांस हो जाते हैं। मतलब प्राइस एक लिमिटेड रखना। अगर बाय चांस आप कोई वर्क $100 में करते हो, तो उसमें गिग में उसको आपको $70 या $60 रखना है, मतलब $100 नहीं रखना। क्योंकि उस पे जो क्लाइंट आते हैं, वो क्या पता कितने क्लाइंट उस गिग को रेट के हिसाब से खरीद देंगे, और आप ये समझ लोगे कि $60 में कितने क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे। तो हमें इस तरीके से वर्क करना है, हमने कभी भी प्राइस ज़्यादा नहीं रखना, प्राइस हमें नॉर्मल रखना है, और अच्छा गिग बनाना है। और उसमें सब भी मेंशन करनी है गिग में कि हम ये वर्क देंगे, ये क्वालिटी देंगे, सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म। अब हम चलते हैं हमने तीसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। तीसरा प्लेटफॉर्म है freelancer.com। freelancer.com भी एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ से बहुत ज्यादा लोग अर्निंग करते हैं। पर freelancer.com पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ पहले, अगर आप इंडियन वर्क करते हैं तो freelancer.com पे इंडियन क्लाइंट बहुत ज्यादा है, तो आप freelancer.com आपके लिए बेस्ट है अगर आप इंडियन को प्रोजेक्ट ही करते हैं। मगर अगर आप फॉरनर प्रोजेक्ट करते हो, तो freelancer.com पे फॉरनर क्लाइंट जो हैं पर कम है, इंडियन क्लाइंट बहुत ज्यादा है उस पर। तो आपको समझ लो कि 60% 70% आपके इंडियन क्लाइंट है, 30-40% आपके वो जाते हैं फॉरनर क्लाइंट। पर ये भी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है। इसमें सिंपल प्रोसेस होता है कि इसमें हमें बिड करने होते हैं, क्लाइंट हमें देखता है, अगर उसको प्रपोजल हमें अच्छा लगा तो उसके बाद हमें वो हायर कर लेता है। अब बात आती है फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इंडियन प्रोजेक्ट करना पसंद करते हो, तो इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म के क्लाइंट मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लाइंट आपको लॉन्ग टर्म के मिल जाएंगे इसमें इंडियन प्रोजेक्ट के लिए। कहीं अगर आप कोई SEO प्रोजेक्ट उठा लेते हो, तो SEO प्रोजेक्ट का आपको पता ही है कि 6 मंथ से ज़्यादा ही चलेगा वो। तो मतलब कि इसमें भी हमने अच्छी क्वालिटी के, हमें एक तो अच्छी क्वालिटी क्लाइंट मिलेंगे, कोई फेक क्लाइंट नहीं मिलेगा कि कोई फेक क्लाइंट है, जैसे किसी ने फेक प्रपोजल ऐड कर दियो, हायर कर लियो, तो ऐसे नहीं मिलेगा हमें इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है। अच्छे अच्छे हमें क्लाइंट मिल जाएंगे और हमें अच्छा वर्क देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें वर्क किस तरीके से करना चाहिए, इसमें भी इसका भी प्रोसेस सेम अपवर्क की तरह ही होता है। इसमें हमें अच्छे से प्रपोजल बनाने होते हैं, क्लाइंट पे बिड भेजते हैं, क्लाइंट हमें देखता है हमारे प्रपोजल को, अगर उसको प्रपोजल हमारा अच्छा लगता है, हमने जेन्युइन इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो वो हमें हायर करेगा और हमें वर्क देगा। इसमें भी सेम बात है, जो प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ इसमें कॉम्पिटिशन जरूर है, कॉम्पिटिशन तीनों में है, और एक और बताऊंगा उसमें भी कॉम्पिटिशन है, पर मेन है कि इसमें क्लाइंट भी मिल जाते हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, स्किल्स है, आप कोई किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो क्लाइंट मिल जाएंगे। पर हमें लिखने का तरीका हमारा मेन होना चाहिए, और जब भी हम प्रपोजल लिखते हैं, हमने हमेशा उसमें अपने जो एग्जाम्पल है प्रीवियस वर्क के, वो हमेशा अटैच करने हैं। अगर आप प्रीवियस वर्क के एग्जाम्पल अटैच नहीं करेंगे, तो आप पे काम आने के बहुत कम चांस रहेंगे, तो वो काम आपके पास आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें अब हमें जरूर अटैच करने हैं प्रीवियस वर्क एग्जाम्पल। तो ये हो गया freelancer.com। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ प्लेटफॉर्म की तरफ, वो है पीपल पर हार्स। पीपल पर हार्स भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको हमेशा होरली वर्क मिलेगा, उस पर बहुत ज़्यादा क्लाइंट आपको मिलेंगे, अच्छी क्लाइंट है वहाँ पे, अच्छा वर्क देते हैं, लॉन्ग टर्म क्लाइंट है। और दूसरी बात है कि पीपल, अब बात आती है कि पीपल पर हावर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। पीपल पर हावर्स पे अगर आप हावरली जॉब करना पसंद कर ले, हावरली बेसिस पे आप जॉब करना पसंद करते हैं, तो आपको ज़्यादातर क्लाइंट वहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे, और सारे जेन्युइन क्लाइंट मिलेंगे, कोई फेक क्लाइंट नहीं मिलेंगे। अब तो पीपल पर हावर्स ने थोड़ा प्रपोजल को भी, जो आप आईडी बनाते हो उसको वेरिफिकेशन में, जो जेन्युइन आईडी बनी थी, जिसने अच्छी कंटेंट डाला हुआ है, अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई है, उसको ये अप्रूव करते, नहीं तो अप्रूव नहीं करते। तो वो बड़ा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, होरली बेसिस पे मिलते हैं। और इसमें ये अब तीसरी बात आती है कि ये इस पे वर्क कैसे करना चाहिए। इसका प्रोसेस भी इनकी तरह सेम ही होता है, हमें अच्छा कवर लेटर लिखना आना चाहिए, उसके बाद हमने जो भी क्लाइंट को भेजना है प्रपोजल या कुछ भी, उसमें हमने एग्जाम्पल जरूर अटैच करने हैं। अगर आप एग्जाम्पल अटैच नहीं करोगे, तो आप काम आने के बहुत कम चांस रहेंगे, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल जरूर अटैच करने हैं। अगर आप SEO के भेज रहे हो, तो वो दिखाना है कि मैंने इस वेबसाइट को रैंक किया है और कैसे किया है, उसकी स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से लिख के हमें भेजनी है उस पर, ठीक है। पर कवर लेटर में हमें सिर्फ जनमन चीज लिखनी है, ये आंसर नहीं है, ये लिखना है जैसे कि जो भी उसकी जॉब है, डिस्क्रिप्शन के बारे में जो उसने पोस्ट की हुई है, उसके बारे में हमें लिखना है। हमें अपना कुछ नहीं लिखना कि मेरे कोई एक्सपीरियंस में ये कर दूं वो कर दूं, ऐसा कुछ नहीं लिखना। जो उसने पूछा हुआ है ना, सिर्फ उसी का आंसर देना है हमने, चाहे वो एक लाइन में दे दो आप। तो ये मैंने आपको चार प्लेटफॉर्म बता दिए हैं, और इन पर ये बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों और इन पर वर्क किस तरीके से करना चाहिए। इन चारों प्लेटफॉर्म पर जरूर वर्क करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और
हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जरूर बताया करो, क्योंकि उससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो इन चारों प्लेटफॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो तो उनके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा हर प्लेटफॉर्म की तरफ। आपको सिर्फ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर हमें इसके बारे में ये चीज़ सीखनी है, तो मैं प्रॉपर वन बाय वन सबके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने बना भी रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ।